हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ केतु शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके आगे हमने दो प्रॉब्लम किए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के, एक पेंटागन का किया, एक रेक्टेंगल का किया। उसमें जो प्रॉब्लम था उसमें जो डिटेल दी गई थी गिवन डेटा था, और इस प्रॉब्लम में जो गिवन डाटा है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। और आज हम जिसके प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है सर्कल। ओके, तो ड्रॉ करना स्टार्ट करें, और उससे पहले हमें पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर इज रेस्टिंग ऑन HP। रेस्टिंग ऑन HP है मतलब कि आपको प्रॉब्लम ड्रॉ करना कहां से है, XY लाइन के नीचे से। एंड A मतलब कि एक सर्कल है उसके डायमीटर मतलब उसके चार पॉइंट हमें दे दिए हैं। उसमें से पहला एक पॉइंट ए है ऑफ इट्स डायमीटर एसी, मतलब एक डायमीटर एसी रहेगा, विच इज 30 degree इंक्लाइन टू HP। ओके, मतलब एक डायमीटर जो आपको दिया है एसी वो HP के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 degree, वाइल इट्स टॉप व्यू इज 45 degree विथ इंक्लाइन विथ VP। एंड उसका जो टॉप व्यू है वो VP के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 degree। सो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें XY लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले हम XY लाइन बना लेंगे। सर्कल का डायमीटर कितना दिया है, 50 mm। सो डायमीटर 50 mm है, सो आपका रेडियस कितना बनेगा, 25 mm। राइट, सो 25 mm का कंपास सेट कर लेंगे एंड सर्कल बना लेंगे। सर्कल कहां पे बनाएंगे, ये जो हमने XY लाइन बनाई है उसके नीचे। क्यों, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम में ऑलरेडी बोल दिया है दैट सर्कल ऑफ दिस डायमीटर इज रेस्टिंग ऑन HP। ऑन HP मतलब XY लाइन के नीचे ही आएगा। राइट, सो सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल आपका बन गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल की दो डायमीटर हम जनरेट कर लेते हैं, मतलब कि उसके चार इक्वल पार्ट कर लेंगे। ओके, फोर इक्वल पार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो सेंटर है उसमें से XY को एक पैरेलल लाइन बना लेंगे, तो पहला डायमीटर हमारा वो बन जाएगा। ओके, तो ये एक डायमीटर मेरा ऑलरेडी बन गया। राइट, अभी दूसरा डायमीटर जो हम उसको परपेंडिकुलर एक बनाएंगे तो चार इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, सर्कल पे हमारा प्रोटेक्टर रखेंगे, 90 degree पे मेजरमेंट ले लेंगे एंड फिर दूसरा डायमीटर भी बना लेंगे ताकि हमारे सर्कल के चार इक्वल पार्ट हो गए। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी सिर्फ फोर इक्वल पार्ट करके ही ये पूरा प्रॉब्लम दिखा रही हूँ। आप चाहो तो 8 इक्वल पार्ट, 12 इक्वल पार्ट, आपको जितने भी इक्वल पार्ट करने हैं आप कर सकते हैं। राइट, लेकिन 8 से ज्यादा इक्वल पार्ट करने जाओगे तो प्रॉब्लम उतना ही कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितने भी पॉइंट हमें मिले हैं उसको हम नाम दे देंगे एंड डी। ओके, चलिए फिर उसके प्रोजेक्शन हम XY लाइन पे ले जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्वियसली XY को परपेंडिकुलर लाइन ही है तो हम उसका ही रेफरेंस ले लेंगे प्रोजेक्शन खींचने के लिए। प्रोजेक्शन लाइन हो सके उतनी आपको कैसी ड्रॉ करनी है, लाइट ड्रॉ करनी है। राइट, वो आपको पता ही है क्योंकि हमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जो भी प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो डार्क करने है। लास्ट में हमारे सॉल्यूशन जो है वो डार्क दिखना चाहिए, ना कि हमारे सारे प्रोजेक्शन डार्क दिखने चाहिए। ओके, चलिए नाम दे देते हैं जो भी प्रोजेक्शन खींचे है उनके। तो ये ए का प्रोजेक्शन है, सो दिस इज योर ए डैश, दिस पॉइंट विल बी योर बी डैश एंड डी डैश, क्योंकि दोनों का एक ही प्रोजेक्शन है, और ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो सी का है। ओके, चलिए फिर आगे प्रॉब्लम में क्या दिया है, इट्स एंड ए ऑफ इट्स डायमीटर एसी, जो एसी डायमीटर है इट इज विच इज 30 degree इंक्लाइन टू HP, मतलब ये जो डायमीटर है वो HP के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 30 degree। सी फ्रेंड्स, लास्ट वाले जो दो प्रॉब्लम हमने किए थे उसमें पहला एंगल कौन सा लेना है उसके लिए एक वर्ड्स दिए थे दैट जो भी सरफेस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल हम पहले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सरफेस के साथ कौन एंगल बना रहा है ये नहीं दिया है, तो अभी
इस वाले प्रॉब्लम में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल पहले लेना है? तो फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम जहां पे भी रेस्ट कर रहा है, मतलब कि रेस्टिंग ऑन एचपी है, तो आपको एचपी का एंगल पहले लेना है। अगर रेस्टिंग ऑन वीपी होता तो वीपी का एंगल आपको पहले लेना पड़ता है, ठीक है? तो हम एचपी का एंगल यहाँ पे पहले लेंगे क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो एचपी में पड़ा हुआ है, राइट? कितना एंगल बना रहा है एचपी के साथ? 30 डिग्री, राइट? तो प्रोटेक्टर की हेल्प से एक रैंडम पॉइंट पहले मैंने ले लिया एंड 30 डिग्री यहां से मेजर कर लेंगे। 30 डिग्री मेजर करने के बाद उसमें से एक लाइन बना लेंगे, रैंडम लाइन बनाएंगे पहले, फिर हम एसी जो है वो सेट करेंगे। ओके, ये लाइन मैंने बना लिया। अभी क्या करना है, आपका जो एसी है वो 30 डिग्री पे लाई कर रहा है, तो एसी को हम 30 डिग्री पे रख देंगे। तो ये हमारा आपका ए पॉइंट हो जाएगा, हम इसको हमारा पॉइंट ए डैश ले रहे हैं, ठीक है? तो अगर ए आपका ए डैश हो जाएगा तो ए को सेंटर रख के सामने जो आर्क लगाएंगे तो वो पॉइंट आपका कौन सा बन जाएगा? बी डैश। अभी ये बीच वाला पॉइंट ये आपका पॉइंट बन जाएगा सी डैश, और ये जो बीच वाला पॉइंट बी डैश डी डैश, आपको ये वाला पॉइंट अभी ये जो लाइन है उस पर लाना है। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो आप कोई भी एक मेजर करके सी या ए दोनों में से किसी को भी सेंटर रख के आर्क लगा सकते हो, सेम ही आएगा। ओके, आर्क लगाने के बाद उसको भी नाम दे देते हैं, तो ये पॉइंट आपका बनेगा बी डैश एंड डी डैश। ओके, चलिए लास्ट वाले दो प्रॉब्लम किए हैं, तो आई होप कि आपको मेथड भी याद रह गया होगा। अभी आपको क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लाइन नीचे लानी पड़ेगी एंड वो प्रोजेक्शन लाइन एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ये सारी लाइन हमारी एक्स वाई को परपेंडिकुलर ही है, तो मैं उसको ही रेफरेंस ले रही हूँ, ठीक है? तो एडी बीडी पे मैंने हमारा रोलर स्केल रखा, ए डैश में से, बी डैश डी डैश में से एंड सी डैश में से। सिमिलरली यहां से भी हम हमारे प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे और एसी को ही पैरेलल, क्योंकि एसी जो है वो हमारा एक्स वाई को पैरेलल है, इसके लिए मैंने एसी को ही रेफरेंस ले लिया। फिर डी में से एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे एंड लास्ट बी में से एक प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे, ठीक है? और जो भी प्रोजेक्शन लाइन खींची और ये जो प्रोजेक्शन आए उनकी हेल्प से हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए की लाइन है और ये ए डैश की लाइन है, समझ में आ रहा है? ए डैश एंड ए, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा ए वन। सिमिलरली बी एंड ये जो सेकेंड वाली लाइन है वो बी की है, तो दिस इज योर बी वन पॉइंट। सी डैश एंड सी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी वन। डी एंड डी डैश, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डी वन। फ्रेंड्स, जब भी सर्कल आए तो हमको पॉइंट जो कनेक्ट करने हैं वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व करने हैं। ओके, जब हेक्सागोन, पेंटागोन, स्क्वायर ये सब आएगा तो आपको किससे कनेक्ट करना है? विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर स्केल, राइट? पर जब सर्कल आता है तो आपको कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। ओके, तो सारे पॉइंट्स आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से कनेक्ट कर देना। फ्रेंच कर्व का कोई भी पोर्शन आप सेट करके यूज कर सकते हो, ठीक है? पूरा सेट स्क्वायर आप जैसे भी आपको जरूरत हो वैसे आप उसको मूव कर सकते हो। तो ये आपका इलिप्स आएगा। ओके, ओके, चलिए नाउ लास्ट क्या बोला है प्रॉब्लम के अंदर, इट्स टॉप व्यू इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो एक रैंडम पॉइंट फिर से ले लेंगे, ओके, एंड 45 डिग्री एंगल वीपी में मेजर कर लेंगे, ठीक है? तो ये मैंने प्रोटेक्टर रखा रैंडम पॉइंट के ऊपर एंड 45 डिग्री
मेजर कर लेंगे। 45 डिग्री मेजर करने के बाद एक रैंडम लाइन सबसे पहले तो बना लेंगे। ओके और ये जो पॉइंट है अभी हमें क्या बोला है, देखो हमने स्टार्ट कहा से कि एसी डायमीटर जो 30 डिग्री इंक्लाइन है, तो अभी एसी डायमीटर को ही हमें 45 डिग्री एंगल पे रखना होगा। तो मैं अगर इसको इस तरह से रखती हूं, इसको उठा के मैं ऐसे 45 डिग्री पे ला रही हूं, ठीक है। तो एक रैंडम पॉइंट सबसे पहले ले लेती हूं और उसको मैं A1 नाम दे देती हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसी जो भी हमारा बना हुआ है वो ले लेंगे, ए पे सेंटर रखेंगे एंड ये लाइन पे आर्क लगा लेंगे, राइट। तो हमारा ये एसी पॉइंट हमें मिल गया। ओके, अभी बाकी के दो पॉइंट बीडी हमें कलेक्ट करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। ये जो डिस्टेंस है सीडी एंड सीबी, बीए एंड एडी, ये सारे पॉइंट जो है डिस्टेंस जो है इन सबके बीच का वो सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, सी पे रख के आर्क दोनों तरफ एंड ए को सेंटर रख के आर्क दोनों तरफ, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट कौन सा बनेगा, सी फ्रेंड्स मैंने इसको उठा के ऐसे रखा है, तो ऑब्वियसली ये मेरा डी पॉइंट है, तो इसको उठा के ऐसे रखा है तो ये मेरा डी पॉइंट बन जाएगा, राइट। एंड ये मेरा बी पॉइंट है, इसको उठा के मैं 45 डिग्री पे रख रही हूं, तो ये नीचे वाला पॉइंट आपका B1 बन जाएगा, राइट। समझ में आया। और फिर से हम इस सारे पॉइंट को फ्रेंच कर्व से कनेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फ्रेंच कर्व से एलिप्स जनरेट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन ऊपर की ओर ले जाएंगे, राइट। ये हमारी पैरेलल लाइन वाली जो लाइन है उसको ही हम रेफरेंस ले रहे हैं, उस पर रोलर स्केल रखा एंड B1 A1 C1 एंड D1 सारे पॉइंट्स को मैंने प्रोजेक्शन खींच लिए। अभी ऑलरेडी यहाँ पे A' का प्रोजेक्शन तो XY लाइन ही है हमारी, राइट। अभी ले लेंगे B', D' एंड C'। अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करके लास्ट हमारा जो टॉप व्यू कैसा दिखने वाला है वो हम बनाएंगे। ओके, तो ये A से ही स्टार्ट करते हैं, उसमें भी तो A1 एंड A', उन दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट आपका बनेगा A1', B1 एंड B', ये जो पहली लाइन है और यहाँ पे जो सेकेंड वाली लाइन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बनेगा B1'। C1 एंड C1, C मतलब ये लास्ट वाली लाइन, यहाँ पे C1 मतलब सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट प्रोजेक्शन लाइन, तो ये C1' बन जाएगा एंड ये D1 एंड D1'। ओके, तो हम फिर से उसको प्रोजेक्शन, सॉरी सारी लाइन जो हमारी जो पॉइंट जो मिले हैं उसको हम फ्रेंच कर्व से कनेक्ट कर लेंगे। ओके, ABCD आपको मिल गए चारों पॉइंट, तो हम अभी उसको कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। सेट स्क्वायर के अंदर जो फ्रेंच कर्व है उसमें से कोई भी पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी पोर्शन आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका टॉप व्यू, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू जो कैसा दिखने वाला है। 45 डिग्री पे अगर आप एसी को रखोगे तो आपको
इस तरह से कुछ आपका जो सर्कल है वो ऐसा दिखेगा. ओके, आई होप कि आपको पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.